हाय गाइस, सीओ सी गुरु के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और मैं गुरु आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूं गाइस। तो पता ही होगा, कल फाइनली इलेक्ट्रो ड्रैगन अनाउंस हो चुका है, नया ड्रैगन। एंड बोले तो एकदम झक्कास है भाई, ये ट्रूप है, इतना खतरनाक और इतना ओपी है। कल जो मैंने वीडियो रखी थी उसमें सब लोगों की कॉमेंट आई, बहुत ही खतरनाक ट्रूप है, बहुत देर कर दी सीओसी ने इसको लाते हुए, बट चलो फाइनली मिल गया। एंड लोगों को इतना अच्छा लगा, लोग कॉमेंट कर रहे थे कि भाई ओपी है ओपी है। तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई क्या ओपी है। अगर आपको लगता है कि भाई ओपी है तो हैशटैग ओपी करके कॉमेंट कर देना। मेरी मानो तो ये ओपी तो है ही, बट इसको अगर यूज करना आता होगा तो। अब इसकी और डिटेल में जाएंगे, इसके प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट देखेंगे कि भाई क्या ये रियलिटी में अच्छा है यूज करने में। तो सबसे पहले तो देखो इसकी ना, आप लोग देख लीजिए, डैमेज पर सेकेंड 300 है, 300 एक ट्रूप की 300 भाई, ये खतरनाक चीज है। और ये 300 में मेन चीज क्या है बताए, एक साथ ये 5 बिल्डिंग को लेता है। पेक्का की भी डैमेज ज्यादा ही है, बट वो एक साथ एक बिल्डिंग को लेता है, जबकि ये एक साथ 5 बिल्डिंग को लेता है। वो जो चैन होती है इलेक्ट्रिक चैन, उससे एक साथ 5 बिल्डिंग को लेता है। तो ये 300 बहुत ही अच्छी है, एक साथ 5 बिल्डिंग को डैमेज होना, मतलब कि कितना टाइम बच सकेगा आप लोग सोच लीजिए अटैक में। उसके बाद डैमेज जब ये मर जाएगा उसके बाद 160 होगा, मतलब कि जो लाइटिंग स्पेल बन जाएगा ये। इसके हिट पॉइंट भी बहुत ही अच्छे हैं, एकदम तगड़े हैं, 4200 एंड ट्रेनिंग कॉस्ट 44000। तो अब हम लोग इसके बाद नीचे जाएंगे भाई, कहाँ अनलॉक होगा। तो देखो TH11 पर ये हो जाएगा, लेवल 13 का बराक्स होगा, मैक्स लेवल 3 से आगे नहीं जाएगा। तो पता ही है टारगेट एनी है, वो भी आपको पता चल गया होगा। एंड ग्राउंड एंड एयर दोनों को मारेगा ये, हाउसिंग स्पेस 30 की है। तो देखो सबसे पहली तो यहाँ पर ना कॉस्ट भी लिखी हुई है, लेवल 1 के लिए 36000, 2 के लिए 40000 एंड 3 के लिए 44000। अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज जो आप लोगों ने नोटिस की होगी, तो यहाँ पर इसके माइनस पॉइंट अगर आप लोगों ने ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये साला 24 मिनट लेता है ट्रेन होने में। क्या भाई ये क्या टाइम है 24 मिनट ट्रेन होने में, कितना मतलब कि माइनस पॉइंट है। दूसरा, एक तो एलिक्सर ज्यादा लेता है, इसको आप फार्मिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, एज अ वॉर ऑफकोर्स यूज कर सकते हो। चौथा, इसकी स्पीड बहुत ही धीरे-धीरे से है, बहुत ही आराम से चलता है। ओके, एंड मारता भी आराम से है, रुकता है डिफेंस के आगे, मतलब कि जो भी बिल्डिंग होगी उसके आगे रुकता है, उसके बाद आराम से मारता है। तो ये सब इसके नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ये इसकी जो डैमेज है ना वो बहुत ही खतरनाक है, एक साथ 5 बिल्डिंग को खत्म करना, तो ये बहुत ही तगड़ी चीज है। और जो इसका एनिमेशन, इसका जो कॉन्सेप्ट, इसका जो आइडिया है ना डैमेज करने का, वो बहुत ही तगड़ा है। मरने के बाद भी ये लाइटिंग स्पेल की तरह काम आता है, तो वो भी एक अच्छा है। बट इसको अगर बेस्ट यूज अगर मैं मानूं तो कैसे कर सकते हैं, TH10 वाले ऑफकोर्स ले सकेंगे, ओके, एंड TH9 वाले, 30 की स्पेस वाले सब ले सकेंगे। तो आप लोग अगर इसको सीज मशीन में रख के जाओगे, TH10 वाले सीज मशीन यूज कर सकेंगे, आप लोग सीज मशीन में लेकर जाओगे इसको टाउन हॉल तक, तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बन सकती है इसकी। एंड बेसिकली जो टॉप प्लेयर होंगे वो लोग, तो मुझे जहां तक लग रहा है उनके लिए तो कुछ नहीं है, बिकॉज वो जैमिंग ही करते हैं। एंड दूसरी चीज की भाई, जैम करते हैं तो टाइम की भी कोई टेंशन नहीं है, एलिक्सर की तो कोई जैमर को क्या पड़ी एलिक्सर की, तो उनके लिए बेस्ट चीज है। बट हमारे लिए एज अ फार्मिंग इसको यूज नहीं कर सकते फार्मर ग्रुप के लिए, बिकॉज साला ये 4-5 लाख एलिक्सर लगेगा, 4-5 लाख, उससे भी ज्यादा लगेगा अगर हम लोग ठोक दे, अगर स्पेल को लगा देना तो 4-5 लाख से भी ज्यादा लगेगा। तो ये बहुत ही कॉस्टली है, टाइम भी बहुत ले रहा है, 24 मिनट ये कम नहीं है। अब देखो कहने के मुताबिक तो एज ए इसको यूज करने में तो मजा तो आएगा, बट हम लोगों को ना बोले ना तो टाइम देना पड़ेगा 24 मिनट एक को, मतलब कि भाई खतरनाक अच्छा ट्रूप, अच्छा है, ऐसा नहीं कि भाई अच्छा नहीं है, अच्छा है सब। इसका गेम प्ले भी देखा, आप लोगों ने भी गेम प्ले देखा होगा जो मैंने बेसिकली कल वीडियो डाला ही था, एंड क्लैश ऑफ क्लैन ने भी अपने चैनल पर, ऑफिशियल चैनल पर गेम प्ले का वीडियो डाला ही था। बट इसकी यार जो ये ट्रेनिंग टाइम है ना 24 मिनट, ये होपफुली अगर वो लोग कम कर देना तो अच्छा रहेगा, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा है यार, ये 24 मिनट यार मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा है 24 मिनट। मतलब आप लोग समझ लीजिए 10 ड्रैगन रखोगे, ओके, तो कितना टाइम लेगा ये सोच लीजिए सभी के सभी ड्रैगन ट्रेन होने में। बट एज अ हम लोग ऐसे एक बार तो सब लोग यूज़ करेंगे ही है, चाहे मैं हूँ या फिर आप वीडियो देख रहे हो, एक बार तो आप लोग यूज़ करेंगे मुझे पता ही है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं इसको जेम मार के अनलॉक करूँ, तो इस वीडियो पर लाइक ठोक दीजिए, लाइक हम लोग रखते हैं 3333। अगर लाइक कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसको जेम मार के अनलॉक करूंगा, एंड हम लोग एक मैं इसका पूरा यूज पूरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सभी के सभी ये ड्रैगन लेके जाऊंगा, ओके। तो ये था गाइस आज का वीडियो, होप यू गाइस आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना,
चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अपडेट न्यूज के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। द क्लैश ऑफ क्लैंस।